पिछले 10 दिनों से यहाँ पे बिक्रमपुर में बिजली की बड़ी समस्या है। एक बार कोई बरसात आ जाती है, तूफान आ जाता है तो बिजली लगभग डिस्टर्ब हो जाती है। तो अभी क्या हुआ था कि लॉकडाउन से पहले यहाँ पे जो GSS का काम चल रहा था 15 मार्च से 25 मार्च के बीच, तो वो क्या हुआ कि जो GSS का काम चल रहा था वो लॉकडाउन के दौरान रुक गया। उसके कारण क्या हुआ कि GSS का सारा काम अटका हुआ है। एक GO पे और एक VCP पे पूरा 10 गाँव टिके हुए हैं और ट्यूबवेल के कनेक्शन भी सारे उस पर टिके हुए हैं, और एक यहाँ पे स्टाफ की कमी है। तो ये सब इन सब कारणों से पिछले 10 दिन से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, उनको लाइट बराबर नहीं मिल रही है। इस चक्कर में आज ग्रामीणों ने थोड़ा बहुत काफ़ी प्रदर्शन भी किया अपने ये GSS पे जाके। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी समस्या को ख़त्म करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। एक ये उमस वाली गर्मी, इसमें लोग बेहाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और स्पेशली घर में जो महिलाएं हैं, घरों में काम करती है, और जो बुजुर्ग है वो बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं। कुल मिला के अपने बज्जू तहसील का 30 से 33% एरिया मान के चलो, और 10 गांव आराम से हो गए यहाँ पे आसपास, 5-10 गांव वो पूरे अफेक्टेड है। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करे, GSS का काम चालू करवाए, और जो ये 33 kV का जो इश्यू है, आज फिर वो 33 kV बज्जू से बिक्रमपुर के बीच में फॉल्ट हो गई, तो उसका भी जल्दी से जल्दी ये समाधान करे। वो वन्य विभाग के जंगल में से आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वन्य विभाग और जो बिजली विभाग है वो आपस में एक अच्छा तालमेल बिठा के ये जो भी पेड़ पौधे बीच में आ रहे हैं उनको जो भी उनका वो समाधान करवाए और इससे लाइन को सेपरेट करे। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस लाइन से वो मतलब कि आसपास के गाँव में भी सप्लाई जा रही है, 5-10 गाँव इससे जुड़े हुए। तो मेरा यही कहना है कि इस लाइन को भी सेपरेट करें ताकि इस लाइन पर दबाव कम हो, और या हो सकता है आप फ्यूचर में एक प्लानिंग करो, 132 kV का GSS बिक्रमपुर में बना दो ताकि समस्या का अच्छी तरीके से समाधान हो सके। उससे रणजीतपुरा को आप जोड़ सकते हो, रावाला को जोड़ सकते हो, और ये क्या बोलते हैं गज्जेवाला बॉर्डर एरिया के जो भी आसपास के गांव है 15-20 गांव वो बिक्रमपुर के GSS से जुड़ सकते हो। तो 132 kV के GSS की भी आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो ताकि ये समस्या ख़त्म हो और आसपास के गांव की भी समस्या ख़त्म हो, और जो बज्जू में लोड बढ़ा है GSS पे 132 kV पे वो भी कम हो जाएगा, तो वहाँ पे भी लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, और मतलब कि लोगों के लिए वहाँ पे भी काफ़ी ईजी हो जाएगा, उसका भी लोड कम हो जाएगा, और इधर भी काफ़ी हद तक लोड है जो कम हो जाएगा और सप्लाई बराबर हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि ये 33 वाला इश्यू है बिक्रमपुर से बज्जू के बीच में, उसका भी समाधान करे गवर्नमेंट, और जो यहाँ पे हमारे GSS में काम अटका हुआ है वो काम पूरा करे। क्योंकि अभी एक एक गांव की अगर हम लाइट काटते हैं, एक गांव की अगर एक गांव में कहीं पे भी कोई भी इश्यू आए, जैसे मीटर चेंज करना है या कहीं पे कोई छोटा मोटा फॉल्ट निकालना है, तो सारे आसपास के 5-10 गाँव की लाइट काटी जाती है, लाइट कट जाती है, और प्लस मतलब कि जो 300-500 ट्यूबवेल कनेक्शन है एग्रीकल्चर के वो भी अफेक्टेड होते हैं। यहाँ की जो GDP है, यहाँ की जो बिजनेस है, वैन बिजनेस इकोनॉमी है, वो ट्यूबवेल पे टिकी हुई है, वो उस पर टिकी हुई है ट्यूबवेल पे। तो अगर वो ट्यूबवेल ही बंद होंगे तो फिर यहाँ पे इनकम कैसे हो पाएगी? आगे भी लॉकडाउन से बड़ी अफेक्टेड है यहाँ की इकोनॉमी, तो अगर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, अगर ट्यूबवेल बंद रहेंगे, लाइट की सप्लाई बराबर नहीं रहेगी, तो लोगों की हालत और ख़राब हो जाएगी आर्थिक रूप से भी। तो मेरा यही कहना है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करें, और GSS में जो भी काम बाकी पड़ा 4-5 दिन का वो भी करवाएं, प्लस ये जो 33 वाला इश्यू है बिक्रमपुर से बज्जू के बीच में ये भी सॉल्व करवाए। नहीं तो इनको या तो भाप से कनेक्टिविटी दो, या हमारे यहाँ पे गोदावरी कंपनी है उधर से कनेक्टिविटी दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे तो अचंभा हो रहा है, हम बिजली के समंदर के बीच में बैठे हैं। बिजली के समंदर के बीच में बैठने के बावजूद हमें बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मछली समंदर के बीच में बैठती है और उसके बावजूद भी मछली को क्या होता है, मछली को तड़पना पड़ता है पानी के लिए, तो ये कितनी खतरनाक बात है। अब हमारे से 35 किलोमीटर दूर 3 मेगावाट या 2 गीगावाट यानी 2000 मेगावाट का बड़ला सोलर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, पर डे वहाँ से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ इन फ्यूचर 1.5 करोड़ यूनिट पैदा होने लग जाएगी। अभी 1 करोड़ या 75 लाख यूनिट पर डे पैदा हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा मतलब कि ये प्लांट लगा हुआ है, सबसे बड़ा तो नहीं, टॉप टेन प्लांट मान के चलो ये बड़ला सोलर प्लांट तो वो लगा हुआ है, इंडिया के ये टॉप 5 में या टॉप 1 में ही आता है।
तो इतना बड़ा प्लांट लगने के बावजूद भी हम लाइट के लिए तरस रहे हैं। आसपास के छोटे छोटे गांव वो लाइट के लिए तरस रहे। तो मेरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबसे यही निवेदन है कि ये जो समाधान है वो समाधान करें, नहीं तो वो कोई बिजली कंपनियां जैसे सोलर प्लांट है उनसे इनको कनेक्ट किया जाए ताकि ये डेली का इश्यू ख़त्म हो। और अगर वो हमें लाइट सप्लाई देते हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी जो ये बिजली जाती है और बिजली के दौरान वो शॉर्टेज आती है तो वो शॉर्टेज भी ख़त्म होगी। तो सबसे बड़ी बात है जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान निकाला जाए। या तो बड़दा से कनेक्ट करो या बाप से कनेक्ट करो, बाप के आसपास दुनिया भर के सोलर प्लांट है और बाप से बिक्रमपुर के बीच में जो भी है ये क्या बोलते हैं ये जो हाईवे बन गया NS-911 तो उसके किनारे किनारे ये 33 KV की लाइन चली जाएगी। और सेकेंड चीज़ है कि बाप से बिक्रमपुर के बीच में पेड़ पौधे नहीं हैं तो ये फॉल्ट वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप बाप से कनेक्ट कर सकते हो, बिक्रमपुर को एक ऑप्शनल लाइन दे सकते हो आप, ज़रूरत होगी तो वो चालू कर लेंगे। तो कुल मिला के आप इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करें, मेरा प्रशासन से यही निवेदन है।